YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बताते हैं कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद वदादुना, शाश्वत रूप से सदा के लिए भगवान की प्राप्ति करा देने वाला जो साधन है वो कृपा करके बताइए। संसार में देने वाले बहुत लोग हैं, कोई अन्न दान करता है, कोई जल दान करता है, कोई सोना चांदी हीरा मोती दान करता है, कोई कन्या दान करता है, कोई राज्य दान करता है, कोई स्वर्ग का सुख दान करता है, लेकिन सबसे बड़ा दान देने वाला कौन है, सबसे बड़ी वस्तु उपलब्ध कराने वाला कौन है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं चिंतामणिर लोक सुखम। चिंतामणि एक मणि होती है जिसके पास होती है उसको लौकिक सुख, बढ़िया पलंग चाहिए तो बढ़िया पलंग मिल जाएगा, बढ़िया भोजन चाहिए तो बढ़िया भोजन मिल जाएगा, बढ़िया संगीत चाहिए तो बढ़िया संगीत मिल जाएगा, सांसारिक सुख दे सकती है चिंतामणि। लेकिन चिंतामणि से कहा जाए कि स्वर्ग की अप्सरा बुला दो, नंदन वन की सैर करा दो, पारिजात का पुष्प मंगा दो और स्वर्ग का अमृत मंगा दो, तो चिंतामणि कहेगी कि वो मेरे अधिकार से बाहर है। वो कौन देगा? बोले चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। सुरद्रुह मने देवताओं का सुर, मने देवताओं का द्रुम, मने द्रुम वृक्ष, देवताओं का वृक्ष मने कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष तो स्वर्ग का सुख दे सकता है, चिंतामणि लौकिक दुनियादारी का सुख देगी और कल्प वृक्ष अथवा कहीं कहीं सुरेंद्र स्वर्ग संपदम, सुरेंद्र का भी पाठ है पाठांतर में, तो वो स्वर्ग की संपत्ति दे सकते हैं, सोमरस के प्याले दे सकते हैं, अप्सराओं का नाच, गंधर्वों का गान, नंदन वन की सैर, पारिजात का पुष्प, ये सब दे सकते हैं। लेकिन उस कल्प वृक्ष से कहिए कि हमें श्याम सुंदर प्रभु से मिला दो, तो कहेगा कि वो मेरे वश की नहीं, वो मेरे अधीन नहीं है। तब उस प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी? बोले प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ जो वैकुंठ है, वैकुंठ मने भगवान का नाम है वैकुंठ, वैकुंठ मने कुंठा से रहित, कुंठा मने माया जन्य अज्ञान और माया जन्य विकार से जो रहित हैं वही वैकुंठ हैं, और वे वैकुंठ नाथ भगवान जहां निवास करते हैं उनका धाम भी वैकुंठ है। तो उस वैकुंठ धाम अथवा वैकुंठ नाथ प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी, वो कौन कराएगा? बोले वो रुपया पैसा में वो शक्ति नहीं है और पद प्रतिष्ठा में वो शक्ति नहीं है, चिंतामणि में वो शक्ति नहीं है, कल्प वृक्ष में भी वो शक्ति नहीं है, देवराज इंद्र में भी वो शक्ति नहीं है जो प्रभु से मिला सके। तो प्रभु से कौन मिला सकता है? बोले प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम। गुरु जी वैकुंठ की भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं, लेकिन कब? बोले गुरु प्रीतो, प्रीतो मने यदि प्रसन्न हो जाए। तो प्रसन्न कैसे होंगे? उनके बताए हुए उत्तम मार्ग पर, भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तो गुरु जी प्रसन्न होंगे। अगर गुरु जी प्रसन्न हो गए तो बोले कि बस भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं। प्रयच्छत गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगी दुर्लभ वैकुंठम सदगुरु प्रीता प्रयच्छति। सदगुरु प्रदान कर सकते हैं और कब? बोले यदि प्रीता, यदि प्रसन्न हो जाए। तो आप प्रसन्न मुद्रा में हैं, हम लोगों को भरोसा हो रहा है जरूर भगवान मिलेंगे आपकी कृपा से, तो ऐसी कथा सुनाइए कि विषयी का शोधन हो,
साधक को बल मिले और सिद्ध को भगवत भक्ति रस की प्राप्ति हो। हम लोगों को भगवत प्राप्ति हो, ऐसी कथा सुनाइए। ये जिज्ञासा श्री सूत जी ने की, आज इसी जिज्ञासा पर कथा विश्राम ले रही है और इसका उत्तर श्री सूत जी क्या देते हैं इसकी चर्चा, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा। ये चर्चा फिर हम लोग कल करेंगे, आज की कथा यही विश्राम ले रही है। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। अधिक विराज सियाई
कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं हुरहो रसिका भविभावुका। श्री प्रभु कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का महात्म्य निवेदन किया जा रहा है, जिसमें विगत कई दिनों में हम लोगों ने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः का भाव स्मरण किए। अगले श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन अभिनंदन करते हुए अब कथा प्रारंभ की गई है। नैमिषारण्य में जो लखनऊ और सीतापुर के पास में बताया जाता है, गोमती नदी के तट पर स्थित नैमिष नाम का अरण्य, अरण्य माने जंगल, नैमिषारण्य। नैमिष क्यों नाम पड़ा कल बताया गया। शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने जिज्ञासा की कि हमारे शांत एकांत निर्बाध भजन के लायक कोई जगह बताऊं। ब्रह्मा जी ने मनः कल्पित एक चक्र प्रेरित किया और कहा कि आप लोग इस चक्र के पीछे पीछे चलते जाएं, जहां यह चक्र जाकर धरती पर विराम को प्राप्त हो जाए उसी स्थान को भजन के लायक निर्बाध शांत एकांत समझ करके भजन करना प्रारंभ कर दीजिएगा। तो जहां आज नैमिष अरण्य कहलाता है उसी स्थान पर आकर के वह चक्र धरती पर विराम को प्राप्त हो गया। तो चक्र की नेमी, नेमी कहते हैं धार, चक्र की नेमी के द्वारा जिस अरण्य का निर्देशन किया गया था इसलिए उसका नाम पड़ा नैमिष अरण्य। नेमिना निर्दिष्टः, चक्र की नेमी अर्थात धार के द्वारा जिसका निर्देशन हुआ हो नैमिष अरण्य। उस नैमिष अरण्य में 88,000 ऋषि लोग श्री शौनक जी के देख रेख में अध्यक्षता में आगे एक चर्चा आएगी मूल भागवत में कि 1,000 वर्ष में पूरा होने वाला सत्र, 2-4-10 दिन में पूरा हो उसको यज्ञ कहा जाता है, और जो
बहुत लंबी अवधि तक चलता है, उसका नाम होता है सत्र। हम लोग यहाँ 1000 वर्ष में पूरा होने वाला सत्र ज्ञान यज्ञ ठान कर बैठे हैं। क्यों 1000 वर्ष तक जीवित रहेंगे? बोले और लोग रहें चाहे न रहें, ये ऋषियों की आयु जो है वो बड़ी सधी हुई होती है, तो ये भविष्य दृष्टा भी होते हैं और इतनी लंबी आयु है तो अब हम लोग इधर उधर क्या घूमते फिरेंगे और क्या देखेंगे? हम लोगों के देखने लायक संसार में रहा क्या? घोर कलिकाल आ गया है। कलिकाल के तमोगुणी भावापन्न आसुरी भाव भावित जीवों की ये संघर्षमयी तांडव लीला को देखने के लिए हम लोग क्यों इधर उधर घूमें? संसार अब देखने लायक नहीं रह गया, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक जगह रहेंगे तो हम लोगों की दृष्टि सधी रहेगी, मन सधा रहेगा, वाणी सधी रहेगी। नहीं तो जहाँ जहाँ जाएंगे जो जो अनुकूल प्रतिकूल दृश्य दिखाई पड़ेंगे उनको हम लोग बार बार देखेंगे तो मन की वृत्ति बिगड़ेगी। इसलिए अब घूमना फिरना छोड़ करके और यहीं पर हम लोग 1000 वर्ष के लिए स्थिर हो गए हैं। खोज थी कि इतने दिनों तक हम लोगों को आध्यात्मिक खुराक देने वाले कोई महानुभाव मिले, तो श्री सूत जी मिल गए प्रभु की कृपा से। सूत जी, ये सूत उपाधि है, विलोम जात महानुभाव हैं। तो दो सूत का नाम कल बताया गया, पहले लोमहर्षण सूत जी कथा सुनाते थे और जब उनका शरीर पूरा हो गया बलराम जी की कृपा से तो उनके पुत्र उग्रश्रवा सूत जी कथा सुना रहे हैं। तो श्री उग्रश्रवा सूत जी को व्यास गद्दी पर बैठाकर उनका पूजन वंदन अभिनंदन करके श्री सौनक जी ने जिज्ञासा की। 88,000 ऋषि थे, कहा कि हर व्यक्ति अलग अलग प्रश्न करने लगेगा, 88,000 प्रश्न एक साथ आ जाएंगे तो वक्ता बेचारे किस प्रश्न का उत्तर देंगे और किस प्रश्न की उपेक्षा करेंगे, इसलिए वक्ता को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों में से 88,000 ऋषियों में से कोई एक सबका प्रतिनिधित्व करते हुए जो पूछेंगे वह सबके लिए अनुकूल होगा, उपयोगी होगा। प्रश्न सबको करने आता नहीं है, प्रश्न सबको नहीं करने आता है। बहुत लोग सुनते हैं कि सुना है बड़े सिद्ध पुरुष कोई संत आए हैं तो जाते हैं तो वहाँ अपनी घरेलू अरज गरज रखने लग जाते हैं। महाराज जी का बताई, 27 किताब मुकदमा का चक्कर में परल बनी, का बताऊं हमारी घरवाली हमसे बात नहीं करती है, ऐसी ऐसी समस्याएं लेकर। अरे तुम्हारे पारिवारिक मामले में तुमने अपना जीवन बिगाड़ रखा है, इसके लिए महात्मा कहाँ तक उत्तर देते फिरेंगे और निराकरण करते फिरेंगे? वैसे हर समस्या का निदान है, संतों को जानकारी भी है, लेकिन वो क्या बताएंगे, उनके बताने पर तुम मानोगे? और मान लो कि बता दिया, मान गए और तुम्हारी एक समस्या का हल हो भी गया तो समुद्र की लहर की तरह
निरंतर कोई न कोई समस्या उठ के खड़ी होती रहती है। जिंदगी तुम्हारी तो बीत ही रही है, सांसारिक प्रपंचों की तरंग गिनने में। अब महात्मा को भी उसी में उलझा दोगे तो वे बेचारे वहां से भाग खड़े होंगे। एक चर्चा आई है श्री कबीर बाबा के जीवन में, फैल गई यह बात देश में कि सिद्ध पुरुष हैं संत कबीर, नर नारी लाखों ने आकर घेरी उनकी भजन कुटीर, कोई कहता मंत्र फूंक कर मेरा रोग दूर कर दो, माज बिलखती पुत्र के लिए कहती बाबा गोद भर दो, नास्तिक कहता इन आंखों से दैवी शक्ति कुछ दिखलाओ, जग में जग निर्माता की सत्ता प्रमाण कर समझाओ। श्री कबीर बाबा रोने लगे, हे प्रभु कैसे कैसे लोगों को मेरे पास आप भेज रहे हो, हमारे पास कोई धन पुत्र पद प्रतिष्ठा इत्यादि की। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। दुकान खुली है थोड़े जो हम बांटते और बेचते रहे। कातर हो कबीर रो करके कहने लगे, हे दयालु प्रभो बड़ी कृपा की थी पैदा घर, पैदा कर नीच यमन घर मुझे विभो, सोचा था कि तेरी अतुल कृपा से मेरे पास न आएगा कोई, सबकी आंख ओट बस प्यार करेंगे हम तुम मिल दो, पर अब हे मायापति समझा कि मुझको माया रचकर ठगते हो, दुनिया के लोगों को यहां बुलाकर खुद तुम भगते हो। तो अनाप शनाप प्रश्न दुनियादारी का करने से संतों को परेशानी होती है, उनका समय बर्बाद होता है, उनकी वृत्ति खराब होती है। तो प्रश्न किस तरह से किया जाता है उसके लिए सबसे पहले तो आप उस परम तत्व के जिज्ञासु हो, दूसरी बात आप में विनम्रता हो, आप में सही अर्थ में गुणग्राहकता हो, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, तब पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। तो श्री सौनक जी ने जो जिज्ञासा की है सूत जी के सामने, बड़ी प्यारी जिज्ञासा है। बोले कि महाराज सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों में पड़ते ही रसायन सरीखा प्रभाव जिसका हो। कल बताया गया था रासायनिक पदार्थ देखने में थोड़े होते हैं लेकिन प्रभाव बहुत होता है, मतलब कि सुनने में चाहे कथा थोड़ी सी लगे लेकिन उसका प्रभाव बहुत हो, और वो कथा ऐसी हो जिससे कोई खास व्यक्ति नहीं, कोई खास जाति नहीं, कोई खास समुदाय बोले नहीं, कोई खास वर्ग का व्यक्ति बोले नहीं, सभी तबके के लोग लाभ उठा सके। प्रश्न से ही पता चलता है भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम, ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाश्रुताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। कल बताया गया था कि तीन तरह के जीव होते हैं संसार में, जितने जीव हैं इनको तीन ही श्रेणी में बांटा गया है, विषयी साधक और सिद्ध सयाने, यही त्रिविध जीव जग वेद बखाने। ये बातें क्यों बताई जाती हैं, हम भी अपने को आंकें कि हम किस श्रेणी में हैं। विषयी उनको कहते हैं जिनको भगवान अच्छे नहीं लगते, जिनको संसारी खेल तमाशा विषय व्यसन इत्यादि ही अच्छे लगते हैं, और इन विषयों के सेवन में ऐसे
तत्पर रहते हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं लगती। सुना है कि एक ऐसी ही किसी विमुख महिला को, जिसने जिंदगी में बॉल डांस वाले विदेशियों के चक्कर में दिन बिताए थे, उसके अंतिम समय में जब वो अस्पताल में भर्ती हुई तो उससे कहा गया कि सीताराम सीताराम कहो, प्रभु का स्मरण करो, तो कहती कि वो क्या होता है, वो क्या है, भगवान क्या है, इसको पता नहीं। तो ऐसे लोगों को विषयी कहा गया है, उनको पता भी नहीं है कि हम विषयों में लिप्त हैं और इसका परिणाम क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हमारी आत्मा किस स्थिति में है, आगे इसकी और क्या स्थिति होगी, बिगड़ेगी कि बनेगी, इनको पता ही नहीं है। तो विषयी लोग अपने स्वार्थ साधन के पीछे औरों का विनाश करते फिरते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी वह कथा लाभदायक हो, कथा ऐसी हो कि तस्सेव शोधने किम परायणम, उनका शोधन कैसे हो। शोधन मने उनमें जो विकार आ गया है उसको दूर कैसे किया जा सकता है। जैसे घर में कचरा आ गया है, धूल गर्दा, तो कैसे साफ होगा, बोले झाड़ू बहाड़ू से साफ होगा, पोछा लगाने से साफ होगा। कपड़े में पसीने की बदबू आ गई है, वो कैसे साफ होगी, बोले कि उसको धोने से, जल से, साबुन से, सोडा से। मन में कुछ विकार आ गया है, काम आ गया है, क्रोध आ गया है, मोह आ गया है, मद आ गया है, लोभ आ गया है, अहंकार आ गया है, ईर्ष्या आ गई है, विद्वेष आ गया है, तो उसका निराकरण कैसे होगा, ऐसा उपाय बताइए, ऐसी कथा सुनाइए जिससे विषय का तो शोधन हो और साधक को बल मिले आगे कदम बढ़ाने का, और उनका मार्ग प्रशस्त हो, निष्कंटक हो और आलोकमय हो, जिसमें कि उनको ये संशय न रहे कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये ठीक है कि नहीं ठीक, ये सब न रह जाए। साधक को बल मिले, आलोक मिले, मार्ग निष्कंटक हो और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, परमात्मा की ओर बढ़े। तो विषयी का शोधन हो, साधक को साधन का बल मिले और सिद्ध पुरुष को भगवद रस की अनुभूति कराए, ऐसी कथा सुनाइए। कल यह भी बताया गया कि कल्याण करने वाले भी जिससे अपने कल्याण की अपेक्षा रखते हैं वो कथा सुनाइए। कल्याण करने वाले शंकर भगवान हैं, हनुमान जी हैं, सनकादिक कुमार हैं, गंगा जमुना प्रयाग इत्यादि तीर्थ हैं, ये औरों का कल्याण करने वाले हैं, लेकिन औरों का कल्याण ये करते हैं, लेकिन ये भी जिनसे अपने कल्याण की इच्छा रखते हैं वो कथा सुनाई। श्रेय साम्यत भवित श्रेय पावना नाम च पावनम, औरों को पवित्र करने वाले तीर्थ भी जिससे स्वयं पवित्र होने की आशा रखते हैं। और सबसे बड़ी बात इस कथा की विशेषता जो आप सुनावे वो ये हो कि कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना, भगवत प्राप्ति कराने वाला, धन प्राप्ति कराने वाला वाली कथा हमको नहीं चाहिए, पुत्र प्राप्ति कराने वाली कथा हमको नहीं चाहिए, स्वर्ग प्राप्ति कराने वाली कथा हमको नहीं चाहिए, हमको तो वो कथा चाहिए जिससे श्याम सुंदर मिले, भगवान मिले। कृष्ण प्राप्त करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना, लगे हाथ बताया कि संसार में देने वाले बहुत हैं,
कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण दान कौन? बोले कि चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि लौकिक सुख देती है। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, देव वृक्ष कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, लेकिन प्रयच्छत गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों के लिए भी दुर्लभ जो परमात्मा है उनकी प्राप्ति तो संत सदगुरु कृपा से होती है। हम लोगों के सौभाग्य से हे सूत जी, आप जैसे संत सदगुरु की प्राप्ति हो गई, ये प्रभु की विशेष कृपा है, इसलिए हम जिज्ञासा कर रहे हैं। जिज्ञासु के लिए श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने कहा है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी उस व्यक्ति को तत्व का उपदेश करते हैं, किसको? बोले जिसमें प्रणिपात की भावना हो। प्रणिपात कहते हैं विनम्रता पूर्वक अगले को सम्मान दे करके उनको प्रणाम करने की भावना। परिप्रश्नेन, परितः सर्वतो भावेन, शरीर संबंधी ही नहीं, मन संबंधी ही नहीं, आत्म कल्याण संबंधी। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।